बना अच्छा शामगढ़ के कर रहे थे शामगढ़ तो जी डकैती के नहीं आ रहे थे जी। अच्छा के चोरी करने लग रहे थे पैसे दिल्ली की चोरी जी अच्छा उनका ओक्ती गांव का जुब्बी का हाँ जी ओक्ती ओक्ती हो ओक्ती कौन जिले में जिला बागपत में तेरे गल तीन बंदे थे वहाँ किन मते थे थारे मते थे अपने बंदे तेरे क्या मारे थे किस चीज में आए गाड़ी कौन सी थी कौन सी तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक चोर को पकड़ लिया गया है। जी हाँ एक चोर को पकड़ दिया गया है और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस जब इसे सख्ती से पूछताछ करेगी तो जो है खुलासा होगा। रात के समय बगैर कपड़ों के घूमते हैं तेल लगाकर घूमते हैं ताकि कोई शख्स पकड़ ना पाए और इस समय आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से इस चोर ने रात को कबूला कि ट्रांसफार्मर चोरी कर लेते हैं भैंसे खोल लेते हैं और किस तरह से यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तीन लोग और इसके साथ थे जो आल्टो गाड़ी में जो है फरार हो गए हैं गांव के लोगों ने पकड़ा है। सुखपाल जी क्या कुछ बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं एक कामयाबी जरूर हुई है गांव के लोगों ने इनको पकड़ कर दिया है तो कई वारदातों का खुलासा हो सकता है जी। देखिए सर ये शेखर नाम का लड़का है और ये रात को तीन चार लड़के और थे इसके साथ गाँव वाले ने इनको काबू किया और अभी इसको पूछताछ की जाएगी क्या क्या इन्होंने इसने और इसके साथियों ने मिलकर क्या क्या वारदात अंजाम दिया है और अभी इसे इंटरोगेशन की जाएगी। रात को कपड़े उतार कर तेल लगा के भी घूमते हैं सर ये बता रहे हैं बताएंगे अभी इसे सारी पूछताछ करके उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों ने बताया कि हालांकि कबूला है इसने रात को जो वीडियो बनाई है उसमें कबूला है कि चोरी वगैरह की है ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं ऐसा सर ये चोरी कोई भी वारदात करने की फिराक में थे ये और इसलिए इनसे इन्होंने गांव वालों ने इनको काबू किया मौके से ये यूपी का भाग पता लगाया गाड़ी में जो फरार हुए थी वो कहां के थे ऐसा इसी के गांव के ये बता रहे हैं उनको भी बुलाकर इंटरोगेशन करके अगली कार्रवाई की जाएगी। बागपत से यहां पे आते थे बागपत से ही बता रहे हैं बागपत के रहने वाले हैं सर ऐसा है अभी इनसे इंटरोगेशन की जाएगी जैसे जो बात इंटरोगेशन में आएगी उसके अकॉर्डिंग अगली कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस का कहना है कि इंटरोगेशन की जाएगी सख्ती से पूछताछ की जाएगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गांव वाले लोगों ने जो इसको पकड़ कर दिया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। करनाल समेत हरियाणा भर में तमाम गाँव के जो लोग हैं खासतौर पर किसान हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं इस तरह की चोरी की घटनाएं ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं पशु चोरी की घटनाएं और आसपास के गांव के तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं रंबा गांव के यहाँ पर मौजूद हैं एक बुजुर्ग किसान है सर क्या कुछ बताना चाहेंगे काफी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं भैंसे चोरी हो रहे हैं और ऐसा चोर पकड़ा पिछले साल खुली है जी पिछले साल मज्जा लेके ने खोल के रंबे हो कल क्या देखा आपने क्या जानकारी मिली कल नहीं देखा मेनू तो सवेरे ही पता लगा जी पकड़ लिया हूं तो क्या चाहेंगे आप पुलिस से आप मुआवजा मिले डंगर नुकसान होया सानू चाहिए तो आपके भी पशु चोरी हो चुके हैं हाँ जी दो मज्जा लगे ने खोल के दो भैंसे चोरी हुई इनकी आप बताएं इनकी भी भैंसे चोरी हुई हैं सर हाँ जी इनकी भैंसे चोरी हुई हैं जो रात सर ये लोग आए हैं ना ये वारदात करने आए हुए थे ये तो सर अचानक इनके पास चले गए और पकड़े गए जबकि सर इनके शरीर के ऊपर काला तेल लगाया हुआ था ताकि कोई इनको पकड़ ना सके और जिस गाड़ी पे ये आए हैं सर उसका गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं था ना आगे ना ही पीछे और इसने ये भी कबूला है कि वो जो गाड़ी है वो भी चोरी की हमने उठाई हुई है और पहले भी हमने रंबे गांव के अंदर ट्रांसफार्म चोरी किए हैं पैसे चोरी किए हैं और लोगों से पैसे भी लूटे हैं जैसे बंदों को सैलरी मिलती है ये यूपी के बंदे हैं जी हाँ कह रहे हैं अभी जब इन्होंने पकड़ लिया लड़के को पकड़ा तो उसके बाद उन्होंने फायरिंग की ताकि ये लड़के डर के उसको भाई उसको छोड़ दें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक चोर को पकड़ दिया गया है और तमाम किसानों को कुछ राहत जरूर मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं पशु चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और किस तरह से जो एक बुजुर्ग किसान है उन्होंने बताया कि दो भैंसे उनकी भी जो है चोरी हो गई थी और सबसे बड़ी बात है हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। क्या दिन हो मनाते हैं चोरी कर देना सही सही बताइए एक हफ्ता सारा हो गया जी कितनी चोरी कर ली चोरी जी एक तो हुई जी बचाते जाते कितने कहाँ करी सड़कों पे हुई जी यहाँ नहीं करी रंबा यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बनी जी बात नहीं बनी हाँ जी देख लिया था जी मारा था हमने चक्कू बस देख लिया था नहीं तो मार भी देता मैं मार देने बचाओ के लिए अपने
तो ये लाइव तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से ट्रांसफार्मर चोरों को पकड़ दिया जाता है। हालांकि एक चोर जो है काबू आया, तीन जो है भाग जाते हैं। करनाल के शामगढ़ रंबा गांव की तरफ की ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर गांव के लोगों ने बताया, पुलिस ने बताया कि किस तरह से रात के समय कपड़े उतार कर काला तेल लगाकर चलते हैं, ताकि अगर कोई इनको पकड़ता है तो ये स्लिप कर ये भाग जाते हैं। और ऐसे एक चोर को पकड़ा है जो यूपी के बागपत के किसी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। गाँव के लोगों ने बताया कि किस तरह से इनके जो बाकी अन्य सदस्य आल्टो गाड़ी में, जो बगैर नंबर की आल्टो गाड़ी थी, उस पर सवार थे, उन्होंने इसको छुड़ाने के लिए इन पर फायरिंग भी की है। पुलिस जो है सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या ये चोरी करने आए थे या किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस ने बताया है कि जब इनका रिमांड लिया जाएगा तब पता लगाया जा सकेगा कि कितनी और इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया था और किस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज कर एक चोर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि लगातार हरियाणा के तमाम गांवों के किसान परेशान थे, क्योंकि लगातार ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, भैंस चोरी कर दी जाती थी, गाय चोरी कर दी जाती थी, तो इस तरह की जो चोरी की वारदातें हैं लगातार जो है खासतौर पर ये चोर जो है अंजाम दे रहे थे। ऐसे बहुत से गैंग जो है सक्रिय हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि ये लाइव तस्वीरें से आप देख रहे थे करनाल के रंबा पुलिस चौकी से, जहां पर चोर को भी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करा के की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब उसका रिमांड लिया जाएगा तो दौराने रिमांड वह बताएगा कि वो तीन कौन लोग थे। हालांकि शुरुआती जांच में उसने बताया कि उसी के गांव के वे रहने वाले थे। अब पुलिस जो है उनको भी गिरफ्तार करेगी और उनके पास से भी जो अगर असला वगैरह है उसको भी जो है बरामद किया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो लगातार हरियाणा में किसानों के ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपने देखी हरियाणा के करनाल की, जहां पर किस तरह से करनाल के रंबा शामगढ़ रोड पर लोगों ने जो है एक ट्रांसफार्मर चोर को रात को पकड़ा। चार चोर बताए जा रहे हैं, आल्टो गाड़ी में थे, बगैर नंबर की आल्टो गाड़ी में थे। एक चोर को पकड़ दिया गया है और इनका कहना है, गाँव के लोगों का कहना है कि उनके ऊपर जाते हुए फायरिंग भी की गई है। इस समय रंबा पुलिस चौकी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर सुखपाल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है करनाल समेत पूरे हरियाणा में, और एक चोर पकड़ा गया है जो को चोरी कर रहा था ट्रांसफार्मर, क्या कुछ पता चला और क्या बताना चाहेंगे जी? देखिए सर, देहात के इलाके में ज्यादा वारदातें हो रही हैं और ये शेखर नाम का लड़का को काबू किया है रात में, उसने थोड़ा खुलासा किया है, अभी उसकी जांच करेंगे, उससे सारा खुलासा उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करके और अगली कार्रवाई की जाएगी क्या क्या इन्होंने वारदात की। तो रहने वाला कहाँ का है सर? रहने वाला सर ये है ओगटी गांव है, ओगटी बालनी जिले में। इसके साथ तीन चार लड़के और थे, वो फरार हो गए हैं। तो यूपी में पड़ता है गांव? यूपी में बागपत में पड़ता है, ओगटी गांव है और जिला बागपत का है। तो अब रिमांड किया जाएगा? अभी सर इसका इंटरोगेशन की जाएगी, इससे इसने और इसके अन्य साथियों ने क्या क्या वारदात किया है उसका खुलासा करके अगली कार्रवाई। तो रात को सर ये बगैर कपड़ों के क्यों चलते हैं, क्या तेल लगा रखा होता है शरीर पर? सर अभी खुलासा करेंगे इनसे, इंटरोगेशन करके और इनका रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई। शुरुआती जांच में बताया कि वो ट्रांसफार्मर चोरी करने आए थे। अभी सर करेंगे खुलासा करेंगे, अभी बताएगा, ये इंटरोगेशन चलेगी और जो 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 वारदात की है उनके बारे में खुलासा करके कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर चोर की आपने लाइव तस्वीरें देखी और किस तरह से अब करनाल पुलिस जो है इसको दौराने रिमांड पूछताछ करेगी और सख्ती से पूछताछ के बाद जो है सभी वारदातों का खुलासा हो सकता है। इसके गैंग में इनके साथ और कौन कौन चोर है उनके बारे में भी पता चलेगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो करनाल समेत हरियाणा में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, खेतों से किसानों के ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए जाते हैं। और करनाल के रंबा गांव की आपने ये तस्वीरें देखी, जहां पर किस तरह से ग्रामीणों ने जो है ट्रांसफार्मर चोर को पकड़ा है। जी हां, ट्रांसफार्मर चोर को पकड़ा है जो चोरी कर फरार हो जाते थे और आप देख सकते हैं पुलिस के हवाले कर दिया गया है, पुलिस मौके पर है और किस तरह से पुलिस जो है इनके बयान लेकर आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल की रंबा पुलिस चौकी से आप देख सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर हैं सुखपाल सिंह, उन्होंने जो है इनके बयान लेकर चोर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे रिमांड लिया जाएगा, ताकि इसके कितने साथी हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा सके और जो शख्स हैं जिन्होंने चोर को पकड़ा है उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने चोर थे और क्या कुछ आपने देखा कल रात को? जी सर, वो रात को हम आए थे ड्यूटी से, तो मैं पहले तो उन्हें एक चोर को भेज दिया, फिर पीछे से काट दिया एकदम 80 की स्पीड, खाली फायरिंग करी डराने के लिए भी चोर को छोड़ देंगे इस करके। फिर मारो बाज गया जी मर से, फिर मैंने एकदम पकड़ा, वो हाथ में चाकू ले रहा था, एक बंदे के ऊपर उन्हें चाकू के फायर करी, तो इस करके फिर मैंने वो पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया, तो फिर हम यहाँ घूम लिया है जी रंबा। फिर मैंने कपड़े जो चकनाट हो रही थी उसके शरीर पे जी, जब मैंने पकड़े नहीं, वो स्लीप करके भाग गया,
तो फिर मैंने कान से पकड़ के फिर एकदम पकड़ लिया, वहीं पे बिठा लिया। काफी चोरी होती है ट्रांसफार्मर की आपके यहाँ? हाँ जी, ट्रांसफार्मर की चोरी, गाय की चोरी। तो कोई हमला करने की कोशिश भी करी उन्होंने? हाँ जी, फायरिंग करने की कोशिश करी है जी, उन्हें गड्डी क्रॉस करने की कोशिश करी, 80 की स्पीड पे गड्डी लगाई हमारी साइड से, भाई उसको छोड़ देंगे, भाई टक्कर लग जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखप्रीत है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये दो नौजवान थे, ड्यूटी खत्म कर आ रहे थे और इन्होंने जो है इस चोर को पकड़ाया जो यूपी के बागपत के किसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और शख्स था जो रात को ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, क्या कुछ देखा आपने? जो चोर है ट्रांसफार्मर चोरी करने आए थे, एक को पकड़ दिया, क्या पता चला? सर जी हम आ रहे थे ड्यूटी करके जी खत्म, तो अचानक हमने देखे जी कोई बात कोई जान बंदा है जी, तो हमने पूछे भाई कहाँ से आ रहा है, कैसे करके आ रहा है जी, तो हमने पकड़ लिया जी सर इसने, तो हमारे दोस्त पे हम लगे चक्कू से जी, तो चक्कू से हम लगे, तो जैसे हम चक्कू से हम लगे तो बंदे को हम कह रहे भाई किस वजह से चक्कू मारा आपने, तो हमारे छुट छिटाव करने लगे। इतनी देर में गड्डी आई जी, गड्डी से 80 की स्पीड में गड्डी अचानक उन्हें फायरिंग करते हुए गई, तो हमने काबू कर लिया सर। ट्रांसफार्मर चोरी करने? हाँ जी हाँ जी, तो कबूला भी है? हाँ जी हाँ जी, तो कबूला जी। उतार रखे थे इसने? चिकनाट थी सर जी बहुत गात पे जी। तो क्यों लगाते हैं वो चिकनाट? पता नहीं सर जी हमने क्यों लगाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं चिकनाट वो इसलिए लगाते हैं ताकि अगर कोई शख्स पकड़ता है तो वो भाग जाए। और आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और आप देख सकते हैं कि चोर को हिरासत में लेकर आगे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। आजकल के जो किसान हैं वो ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं से सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पैसा लगता है और कई दिन जो है किस तरह से खेती बाड़ी भी जो है प्रभावित होती है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से चोर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाई। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।